मध्य प्रदेश के पबई में पूर्व मंत्री पंडित मुकेश नायक ने न्यायालय परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से सौजन्य मुलाकात की है। न्यायालय परिसर में मौजूद समस्त अधिवक्ताओं ने सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पबई क्षेत्र के अधिवक्ता बहुत ही सरल और सहज हैं। वहीं इस क्षेत्र के सभी अधिवक्ता राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। न्यायालय परिसर में ई लाइब्रेरी बनवाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरी बनने से सभी अधिवक्ता अच्छी तरह से किताबें पढ़कर और अधिक कानून का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। मुझे इनवाइट किया था वकीलों के साथ सौजन्य मुलाकात के लिए। ये सौजन्य मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण रही और हम लोगों ने एक सभी मगर मिलकर न्यायालय में ई लाइब्रेरी के बारे में विचार विमर्श किया, ताकि भारतवर्ष के सभी न्यायालयों में होने वाले निर्णय तुरंत यहाँ के एडवोकेट्स को नजीर के तौर पर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से इस पर विचार किया है। और यहाँ के वकील और पढ़े लिखे अच्छे हैं, छोटी सी अदालत है, ये सिविल कोर्ट है, ये डीजे की कोर्ट है, और यहाँ के वकील हमेशा सामाजिक राजनीतिक विषयों को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं और दोनों क्षेत्रों में अपना योगदान भी देते हैं और सक्रिय भी हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ बात बाबूसिल को, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक बहुत अच्छी सौजन्य मुलाकात रही। बहुत बहुत धन्यवाद।